मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वी आर डूइंग यूनिट 7 दैट इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी एंड इन दिस यूनिट वी आर डूइंग आवर टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में स्टडी कर लिया था दैट व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्राइटेरिया इन इंडियन इकोनॉमी दैट मीन्स क्या क्राइटेरिया चलता जा रहा है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके बाद हमने किया था दैट व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनी इकोनॉमी और इंडिया में एक्चुअल में क्या ट्रेंड है, क्या रोल चल रहा है, कितना इंक्रीज हो गया, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट आता है दैट इज एनर्जी। अब एनर्जी के बिना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं कर सकता। दैट एनर्जी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एनर्जी जो है वो कहाँ से आएगी, वेरियस सोर्सेज हैं एनर्जी को यूज़ करने के लिए और वेरियस सेक्टर्स में उसको डिवाइड करने के लिए। तो जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, जिसको हम बोल सकते हैं पावर कहाँ कहाँ से आएगी, एनर्जी का कितना बड़ा रोल है अगर हम किसी भी सेक्टर में बात करते हैं। मेन रोल जो इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट किया है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एनर्जी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह हम बात करते हैं वहाँ हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है जिस पॉजिटिव इंडेक्स है एनर्जी, कैसे किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो एनर्जी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी कि जो अगर किसी भी इकोनॉमी में एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है, जैसे हम हाइड्रो एनर्जी की बात करते हैं, कोल पेट्रोलियम जो मेन हम इनपुट्स की बात करते हैं, अगर वो रेज हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इट इज़ अ पॉजिटिव इंडेक्स ऑफ वेलफेयर इन एनी इकोनॉमी। नेक्स्ट, एनर्जी इज यूज इन वेरियस सेक्टर्स दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इन द सर्विस सेक्टर ऑल्सो। हाउस होल्ड सेक्टर में भी हम एनर्जी को यूज करते हैं, जैसे कि कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए। दैट मीन्स जो एनर्जी है वो हर सेक्टर में यूज हो रही है, चाहे हम कमर्शियल सेक्टर की बात करते हैं, चाहे हम हाउस होल्ड सेक्टर की बात कर रहे हैं, राइट। ये इम्पैक्ट जो है एनर्जी का हर सेक्टर पर पड़ता है। अब कौन कौन से सोर्सेस हैं एनर्जी के, हमने इसके बात करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल एनर्जी को। कमर्शियल एनर्जी जो सोर्स है वो ये सोर्स है जिसके लिए, ये वो एनर्जी का सोर्स है जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है। इनसे अगर हमें एनर्जी को लेना है तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ पे करने पड़ेगा, और जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल एनर्जी बोल रहे हैं। अगर हम यूसेज की बात करते हैं तो कमर्शियल एनर्जी जो कोल एंड पेट्रोलियम हम यूज़ करते हैं पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में 74% हमारा यूज़ हो रहा है, और ये एनर्जी कैसी है, एग्जॉस्टेबल है, एग्जॉस्ट हो जाती है, जैसे हम इसको यूज़ करते हैं ये फिनिश हो जाती है, एग्जॉस्टेबल है एक्सेप्ट हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी जो है वो फिनिश नहीं होती, रादर उसकी जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है, जैसे कि हमने साइंस में भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है नॉन कमर्शियल एनर्जी। नॉन कमर्शियल एनर्जी आप कह सकते हैं कि मेनली ये फॉरेस्ट एरियाज में यूज होती है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट और ड्राइड डंक जिसको हम यूज करते हैं, जो इजिली हर कहीं अवेलेबल हो जाता है। मोस्टली जो विलेजेस में सबसे ज़्यादा नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज को ही यूज़ किया जाता है, राइट। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, नेचर से हमें फ्रीली मिल जाती है। नेक्स्ट, इट इज़ फाउंड इन नेचर एंड 60% ऑफ द हाउस होल्ड इन द रूरल एरियाज यूज्ड इट, दैट इज व्हाट कॉल्ड नॉन कमर्शियल एनर्जी। और जो इसका यूसेज हो रहा है वो 26% हो रहा है, हमें यहाँ से पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, जिस कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज होते हैं जिसको हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं और हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोनों सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे हैं जिनको कि हम यूज स्टोर करके रख सकते हैं और
इसको हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, जिसमें कि कन्वेंशनल सोर्सेज में कमर्शियल सोर्सेज एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। तो ये जैसे सोर्सेज हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, और हम इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी इम्पोर्ट करके स्टोर कर सकते हैं। दीज आर व्हाट कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल और ऑल्सो नॉन एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और ये नॉन रिन्यूएबल है कि एक बार अगर हमने इसको यूज किया इट इज ऑल फिनिश्ड, राइट। तो इसीलिए इसको यूज करने के लिए बड़ा सोच के प्रॉपर यूटिलाइज करने की इसको जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कन्वेंशनल की बात की कि इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जिसमें कि हम कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों को यूज करते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ड्राई डंग है। तो लेकिन जो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, ये रिसेंटली यूज में आए हैं, जो कि इको फ्रेंडली हैं और ये रिन्यूएबल हैं, नेचर को यूज करके, दैट मीन्स एनर्जी को कन्वर्ट करके हम इसको यूज कर सकते हैं। ये कौन कौन से हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी आपने पढ़ा हुआ है, विंड एनर्जी जो कि विंड प्लांट लगे होते हैं, है ना, विंड फैंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। बायोगैस जो है इट इज ऑल्सो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। टाइडल पावर जो कि ओशन से टाइडल, हाई टाइड एंड लो टाइड को यूज करके जो हम सर्कुलेशन में पानी को लेकर आते हैं और फिर उससे एनर्जी जनरेट होती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइड्स जो हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स जो आपने पढ़ा हुआ है, विच ग्रेविटेशनल फोर्स और जो प्लैनेट्स के सोर्सेस की वजह से जो टाइड्स जनरेट होते हैं उनसे जो हम उसकी पावर को जो हम यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी को भी हम यूज करते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड टाइडल पावर। दीज आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर पावर है, सोलर पैनल लगते हैं, सोलर कुकर हम यूज करते हैं, दीज आर ऑल डिस्क्राइब एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंडी रीजन्स हैं, आपको पता है कि जहाँ पे विंड्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो वहाँ पे उस एनर्जी को भी यूज करके उसको यूज किया जा सकता है। दीज आर ऑल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनको जो ये है कि ये इको फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन जनरेट नहीं होता इन सब एनर्जी को जब हम यूज करते हैं, रादर जो रेजिडुअल पार्ट है वो यूज होता है, बट इनको प्लांट करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। जो मैनेजमेंट इनको, इसको मैनेज करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, तो इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है, बट दे आर इको फ्रेंडली एंड दे आर रिन्यूएबल, ठीक है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं कि इनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, फायरवुड और ये ड्राई डंग, जिनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, और फिर उस एनर्जी को हम जिस मर्जी के तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती है, जैसे कि सोलर, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट एंड देन उसके बाद हम उसको, मतलब उसकी फॉर्मेशन को हमें चेंज करना पड़ता है, तब जाके हम उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब जिसकी हमें फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, दिस इज व्हाट कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनर्जी हम देखते हैं कि इंडिया में जो कंजप्शन पैटर्न है सेक्टर वाइज किस किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, कितने परसेंट वो यूटिलाइज हो रहा है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम चेक करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर सेक्टर्स में हम यूज कर सकते हैं। ईयर हम कंपेयर कर रहे हैं 1971 एंड 2014-15, यानी कि रिसेंटली 20-30 साल का गैप लेके हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इसको एनालाइज कर सकते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 12% जो कंजप्शन पैटर्न है वो यूज हो रहा था हाउस होल्ड सेक्टर में, और हाउस होल्ड सेक्टर के बाद ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहा। हाउस होल्ड सेक्टर में जो एनर्जी का क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं,
यानी 2014-15 में ये रेज हो गया है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखो कि पहले बहुत कम था एनर्जी सेक्टर, ओनली 3% था, फिर 1990 में जो ये 8% हो गया, बढ़ गया, और एग्रीकल्चर सेक्टर में 2014-15 में जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती जा रही है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइनर्स, ये सब यूज होते जा रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, तो आप एनर्जी का पैटर्न देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रेज होता जा रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले 56% था, 45% और अब क्या है 44% हो गए, यानी कि एनर्जी का क्राइटेरिया इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम हो रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर आप देखते हैं पहले सबसे ज्यादा था 28, फिर 22% और 2%, यानी कि बहुत कम हो गया, सबसे ज्यादा कम जो है ट्रांसपोर्ट साइड हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट जो अदर सेक्टर्स की हम बात करते हैं, क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, कुछ टेक्निक्स ऐसी आ रही हैं कि जहाँ पर जो यूसेज है एनर्जी का वो कम हो रहा है और जो हमें आउटपुट है वो ज़्यादा मिल रहा है, दैट इज वन ऑफ द बेसिक रीजन। अदर सेक्टर्स में हम देख सकते हैं कि पहले 7% था, फिर 13% हुआ, और उसके बाद फिर से ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, दैट इज 13% है। तो यहाँ से हमने देखा और इसको हमने एनालाइज किया कि सबसे ज़्यादा जो सेक्टर यूज कर रहा है एनर्जी को, दैट इज हाउसहोल्ड सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर यूज कर रहा है। हाउसहोल्ड सेक्टर में आप देखो कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो इक्विपमेंट्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है, रूरल एरिया से अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन जहाँ पर होगा तो एनर्जी पैटर्न जो है वो चेंज होता जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जैसे जो एनर्जी है, जो कोल की रिक्वायरमेंट है, पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट है, या और अदर अगर हम देखते हैं कि वो सेक्टर डेवलप कर रहा है तो वहाँ पर एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो इस तरह से हम इंडिया का ये कंजप्शन पैटर्न ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रेंड देख सकते हैं वेरियस सेक्टर्स में क्या क्या रहा है। देन मूविंग टुवर्ड्स पावर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर और ज़्यादा कन्फाइंड हो जाते हैं और देखते हैं कि जो पावर और इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी मेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हैं, अब वो जो एनर्जी आ रही है पावर और इलेक्ट्रिसिटी बन के उसका यूज कहाँ हो रहा है और कहाँ कहाँ कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमको काम करने की ज़रूरत है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर और ज़्यादा डेवलप किया है, ये सब हम इसमें देखेंगे। अब नेक्स्ट हम पावर यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखा हमने देखा है कि एग्रीकल्चर और हाउसहोल्ड सेक्टर में किस तरह से काम करने की ज़रूरत है और किस तरह से यहाँ पर ग्रोथ का क्राइटेरिया हम लोगों ने नोटिस किया है। अब पावर इलेक्ट्रिसिटी, अब हम सबसे पहले ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो 8%, अगर 8% हमें GDP चाहिए तो उसके लिए हमें जो इलेक्ट्रिसिटी और पावर की ज़रूरत कितनी है, 12% एनुअली रेज करने की ज़रूरत है। अगर हम जनरली अगर पॉपुलेशन या होल सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो 8% GDP के लिए हमें 12% इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, यानी कि उसको और ज़्यादा हर साल एनुअली ऐड करने की ज़रूरत है, तब GDP हमारा रेज होगा, राइट। और अब देखो पावर और इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन से सोर्सेज हैं, जैसे कि हमने बात की थी थर्मल पावर यानी कि जो कोल एंड पेट्रोलियम हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, 67% जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ से जनरेट होती है 2016 का अगर हम डाटा देखते हैं। तो थर्मल पावर मैंने आपको बता दिया कि कोल एंड पेट्रोलियम जो कि एग्जॉस्टेबल सोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वहाँ से 67% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो रही है। हाइड्रो पावर यानी कि हाइड्रो मीन्स जो वाटर से, यानी कि वाटर से जो एनर्जी ले रही है, जो हम टाइडल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं या हाइड्रो एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, दैट इज 13.60%, दैट इज इको फ्रेंडली रिन्यूएबल, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है दैट इज ओनली 13.6% जनरेट हो रही है। न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, यानी कि थोरियम है,
यूरेनियम है, तो वहाँ से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसका जो रेशियो है वो 2% है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरह से कितना कितना पावर जो है वो जनरेट हो पा रहा है और किस तरह से इसको और ज़्यादा इम्प्लीमेंट, देखो जो कि एग्जॉस्टेबल है, नॉन रिन्यूएबल है, उनसे सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है, दैट इज 67%। और जो कि हाइड्रो पावर है ना, उससे जो कि इको फ्रेंडली है, वहाँ से एनर्जी जो है वो कम जनरेट हो रही है। यानी कि पावर को हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। इट इज़ एग्जॉस्टेबल, इट इज़ नॉन रिन्यूएबल, राइट। तो यहाँ पर भी हमें कंसेंट्रेट करने की ज़रूरत है। अब इनसे जो एनर्जी जनरेट हो रही है, अब इनके सामने कौन, हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको की फेस करने की ज़रूरत है। इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अभी भी हम फेस करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर जो अदर सेक्टर है, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, वहाँ पर इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। इंडिया जो है सिर्फ 2,00,000 मेगावाट तक ही एनर्जी जनरेट कर पाता है, जबकि रिक्वायरमेंट जो है वो और ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि 8% जीडीपी के लिए हमें 12% इलेक्ट्रिसिटी हर साल ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, तब हम 8% जीडीपी का अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो कि इंस्टॉल्ड हमने कैपेसिटी की हुई है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, यानी कि जो वेस्टेज है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इस ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी हो रही है, ये हमें पता चलता है पावर लोड फैक्टर से, जिसे हम PLF के नाम से जानते हैं, कि पावर फैक्टर लोड PLF तो ज़्यादा आ रहा है लेकिन उतना ज़्यादा आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा, उतनी ज़्यादा GDP जनरेट नहीं हो रही। जितना पावर लोड ले रहा है तो उससे इक्वल तो रेज होनी चाहिए थी ना, तभी हमें पता चलेगा कि वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है। तो यहाँ से जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो रही है। नेक्स्ट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ SEB, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, SEB से हम बोल रहे हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसकी पुअर परफॉर्मेंस है। यानी कि बीच में देखो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, कितनी वेस्ट हो जाती है, तो वो जो जितने रिक्वायरमेंट है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स, एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इनपुट्स है उसकी शॉर्टेज चल रही है, जो कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो सब अभी ज़्यादा इतनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई, इनोवेट नहीं हुई, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट है लिमिटेड रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो FDI की हम बात करते हैं, तो वो इस चीज़ में जो एनर्जी लेवल, जो एनर्जी है हमारा पावर इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं प्ले कर पा रहा है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट होएगी तो ऑब्वियसली जो उसका रिजल्ट है वो मैनी मोर टाइम्स आएगा, लेकिन वो जो यहाँ पर है वो उतना रोल नहीं प्ले कर पा रहा है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन, पब्लिक कोऑपरेट भी नहीं करती है, दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा यूनिट्स आप खुद देखते हो कि जो डायरेक्ट लोग, जो लाइन्स हैं पावर की, जो पावर इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन्स हैं वो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, प्रॉपर टैक्स नहीं कर पाते, टैक्स पे नहीं करते हैं, जो टैक्स इवेजन है इलेक्ट्रिसिटी का वो ज़्यादा हो रहा है, लोग प्रॉपर पे नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो टैरिफ्स, हाई पावर टैरिफ्स है वो ज़्यादा है। अब पावर इलेक्ट्रिसिटी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अब दिल्ली का केस यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो दिल्ली ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, जो वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है वो 4 हैंड्स जो चेंज हुए हैं दिल्ली में, मतलब कि 4 हैंड्स जो हैं वो लगे हुए हैं इसको लेकर, जो हम कहते हैं कि रिलायंस एनर्जी है या टाटा पावर है, तो इन्होंने जो रिलायंस पावर है वो 2/3 सप्लाई कर रहा है दिल्ली को, जो पावर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, और जो टाटा पावर है वो 1/3 सप्लाई कर रहा है। यानी कि जो दिल्ली में प्राइवेट, आप कह लीजिए कि प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा कनेक्ट हो गया है, और इस तरह से जो
मेन हमारा है वो किस तरह से स्टेट बोर्ड्स किस तरह से काम कर रहे, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एनर्जी को यूज करते हुए, देखो अगर हम चैलेंजेस को देखते हैं तो हम भी यहाँ पर कोऑपरेट कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे पैटर्न यूज होते हैं। जैसे छोटी छोटी बातें, जैसे आपको ये केस स्टडीज में भी काम आ सकती हैं कि आप अपनी तरफ से कौन से स्टेप्स ले सकते हो। जैसे कि आप प्रोजेक्ट वर्क है इस पर बना सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा कि हमको किस तरह से काम करने की ज़रूरत है और पावर को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, CLF को यूज़ कर सकते हैं और CNG को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से एनर्जी को सेव करने के लिए कौन कौन से हम स्टेप्स ले सकते हैं। अब मेजर्स टू मीट जो क्राइसिस है, अब यहाँ पर अगर हम जो ये हमारे पास चैलेंजेस हैं अगर हम इनको ही इम्प्रूव कर दें तो हमारा काफ़ी हद तक जो पावर इलेक्ट्रिसिटी के चैलेंजेस हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे कि इम्प्रूवमेंट इन PLF हो जाए, कंट्रोल्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, नेक्स्ट प्रोडक्टिव कैपेसिटी रेज हो जाए, प्राइवेट सेक्टर को हम इसमें ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें रादर देन द पब्लिक सेक्टर, और रिन्यूएबल सोर्सेज को अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाइड्रो पोटेंशियल को अगर हम ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं इनको हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। जैसे कि हमने यहाँ पर भी बात की थी कि थर्मल पावर जो है 67% हमारा काम कर रहा है, हाइड्रो पावर कम है, तो अगर हम हाइड्रो पावर में और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आते हैं तो हमारा ये ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है और जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं वो और कम हो सकते हैं, राइट। Students, this is all for today. In the next class, we'll discuss about health. Right? Thank you so much.